और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल करने वाली एक घटना सामने आई है जो किसी का भी दिल दहला दे। एक व्यक्ति असीम देव शर्मा ने आरोप लगाया है कि उसे अपने 5 महीने के बच्चे का शव एक बैग में रखकर सरकारी बस से लेकर अपने घर जाना पड़ा है। असीम देव शर्मा के मुताबिक सिलीगुड़ी से कालीगंज की 200 किलोमीटर की ये दूरी उन्हें सरकारी बस में इसलिए तय करनी पड़ी क्योंकि एम्बुलेंस को देने के लिए उनके पास 8,000 रुपये नहीं थे। उन्होंने बताया कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में बच्चे के इलाज के लिए उन्होंने 6 दिन में 16,000 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। और उसके शव को घर ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस वाले ने बात हुई तो उसने 8,000 रुपये मांगे। इस घटना को लेकर विपक्ष अब ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार की स्वास्थ्य साथी बीमा योजना पर सवाल उठाए।